अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ डेल्टर मार। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यू मेट्रो सिटी के मौजूदा सूरत हाल पे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि जो न्यू मेट्रो सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस हैं उस पर काफी ज्यादा लोगों का शदीद रद्द अमल आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने बाइंग सेलिंग जो है वो तो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और उसके अलावा बाइकॉट कर रहे हैं हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, तो सब जगहों पे जो है वो न्यू मेट्रो सिटी के बाइकॉट के मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पे ये चीजें तब से देखने को मिल रही हैं जब से ये न्यू मेट्रो सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस को कम किया जाए, जबकि एनएमसी ने कहा है कि आपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे ये चार्जेस अदा करने हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो न्यू मेट्रो सिटी की जो एक साथ थी, तो वो भी अभी उसमें टाइम है, तकरीबन ये जुलाई में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अगस्त सितंबर में लोगों की किस्तें स्टार्ट हुई थी, तो अभी 1 साल हुआ है न्यू मेट्रो सिटी को, दूसरे साल का भी स्टार्ट है। तो लोग जो है वो अपनी फुल पेमेंटें दे चुके हैं। फुल पेमेंट्स की अगर बात करें तो अर्ली बर्ड, ए साउथ और बी ब्लॉक में 80% तक जो प्लॉट्स हैं वो फुल पेमेंट्स पे सेल आउट हो चुके हैं। और कुछ ही ऐसे प्लॉट हैं जिनकी पेमेंटें थोड़ी सी रिमेनिंग है, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कुछ ऐसे कमर्शियल हैं जिनकी पेमेंटें थोड़ी सी कम है। तो इस टाइम पे बात करने का मकसद ये है कि इस टाइम जो लोगों में देखा जा रहा है काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा उन लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है जिन लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया था। लेकिन जिन लोगों ने ए साउथ में या बी में 1-1 करोड़ रुपए का कमर्शियल लिया था, तो आज उनके कमर्शियल वैसे भी माइनस में है। और दूसरी बात, उनके डेवलपमेंट चार्जेस जो है 35-35 लाख रुपए लगाए गए हैं, जिसके बाद उनकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल गिर चुकी है, और मार्केट में बिल्कुल बाहर जो है वो ना होने के बराबर है। और हर बंदा जो है वो फाइल सेल कर रहा है, और काफी मार्केट जो है जो बहुत अच्छी चल रही थी तो वो काफी नीचे आ गई है। तो मैं एनएमसी इंतजामिया से ये कहूंगा, खुदारा इस पे कोई एक्शन लिया जाए और कोई बेहतरी की जाए। और इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो आप लोगों ने दे दिया, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट जो है वो कम की जाए, जैसा कि 2,95,000 रुपये 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला पे लगाए गए हैं, और 10 मरला, 14 मरला पे 2,75,000, और कनाल के ऊपर 2 लाख रुपए फी मरला के हिसाब से जो लगाया गया इनको कम किया जाए, ताकि जो मार्केट है, एक तो एनएमसी ने बड़ा नाम बनाया है और हम लोगों ने भी काफी मेहनत की है और वहां जाके लोगों को एनएमसी की बराह रास्त डेवलपमेंट दिखाई है। एनएमसी का एक अपना मयार है, तो मैं चाहता हूँ कि एनएमसी वो अपना मयार बरकरार रखे और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी दादरसी करे और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको भी सुने। तो मैं समझता हूँ कि इस पे एनएमसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मार्केट में एनएमसी का एक नाम है और डेवलपमेंट में अपनी मिसाल आप हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह हमें आगे भी चलना है और आगे भी हम लोगों ने जो है वो लाहौर की तरफ भी जाना है। तो मैं यही कहूंगा कि डेवलपमेंट चार्जेस पे कोई नजरसानी की जाए, ताकि लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो सके और लोग जो है 1 दिसंबर से आपने अप्लाई जो किया है, तो लोग उसमें जो है वो अच्छी शमूलियत इख्तियार कर सकें। अगर ये डेवलपमेंट चार्जेस आप लोग कम कर देते हैं तो मुझे उम्मीद है 90% लोग जो है फर्स्ट को आपको जो डाउन पेमेंट है वो अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मुझे उम्मीद है कि अदा करेंगे भी। इसके बरक्स आप लोग नहीं करते तो 90% के 100% लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं हर जगह पे। आप लोग भी देख सकते हैं, सब लोगों को नजर भी आ रहा है हर जगह पे जो है वो, जितने भी एनएमसी के लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो एनएमसी का बाइकआउट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो है डेवलपमेंट चार्जेस 1 दिसंबर को उनकी डाउन पेमेंट पे करेंगे। अगर एनएमसी का बाइकआउट होगा तो इससे बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे एनएमसी की मार्केट पे। तो मैं यही कहूंगा कि आगे मुल्क की हालात बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से जो है वो डीलर हजरात और इन्वेस्टर हजरात जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डीलर हजरात जो है वो अपने जो है वो कारोबारी मामला चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से दोबारा से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे नजरसानी की जाए और जितने भी यहाँ के क्लाइंट्स हैं उनके लिए कोई आसानी पैदा की जाए, ताकि वो आसानी के साथ अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर सकें। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।